अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अच्छा हुआ पप्पी को पकड़ लिया, हमको बहुत ही परेशान कर रहा था। आपके और ज्योति बिटिया की शादी में कोई अड़चन न आए इसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए आपके और इस बटवृक्ष के विवाह की विधि आरंभ करते हैं। तो ये शहरी बाबू कर रहे हैं, फिर हम बाबू क्यों हो रहे हैं? ये लीजिए, इस मौली को आपको पेड़ के चारों तरफ बांधना है, हर फेरे के बाद ये दूध भी चढ़ाना है। बहुत जल्द तुम मेरी नजरों के सामने होगी, क्योंकि अपने नाक को किसी और से शादी करता देख तुम सह नहीं पाओगी और बेबस लाचार हो जाओगी। तुम्हारी इसी बेबसी का फायदा उठाकर नागमणि हासिल करूंगी मैं। अब आप इस वृक्ष को सिंदूर लगाइए, फिर कहेंगे आप सुहागरात भी मनाई। मजाक है क्या? तेरे ले लिए बहुत हो गया, ये सब नहीं कर रहा मैं। शंकर, रस्म रिवाज का अपमान मत कर, चल लगा सिंदूर। शंकर,
शंकर बिटवा, हमरी बात सुनो बिटवा, काही काम आधा दौरा छोड़ रहे हो? हाँ लगा ले। अरे लगवा लो, थोड़ा सा लगवा लो बिटवा, लगा लो, मान लो बात बिटवा। नहीं बुआ, सिंदूर लगाने के लिए मुझे फोर्स मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आपका यह विवाह संपन्न होता है और भोलेनाथ इस विवाह के स्वयं साक्षी हैं। मुझे परेशान मत करो, मैं शंकर का वेट कर रही हूँ। अच्छा तो तुम भैया का वेट कर रही हो, तो ठीक है ना, मेरे साथ खेलते खेलते वेट कर लो, मेरे साथ छुपन छुपाई खेलोगी? प्लीज 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 प्लीज। नहीं खेला तो ये पगली मुझे पागल कर देगी। ओ गॉड, किसके साथ छोड़ गए मुझे सारे। ओके, हम खेलते हैं। ठीक है ठीक है, तो तुम ना सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, करो करो। ठीक है ठीक है, तो अब तुम काउंट करोगी और फिर आप मेरे को ढूंढने आओगी, और हाँ चीटिंग नहीं चलेगी। हाँ चलो काउंट करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। चीटिंग मत करना। अरे ये कौन सी जगह है? अगर मैं यहाँ पे छुपूंगी तो मुझे नहीं ढूंढ पाएगी और मैं जीत जाऊंगी। 3, 2, 1, बबली मैं आ रही हूँ। पारुष हमारा साथ जन्म जन्म का है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने से दूर कभी मत होने देना।
लड़की पेड़ से कैसे टपक पड़ी? कौन है तू? का नाम है तोरा? यहाँ ब्याह की रस्म चल रही है और सब कुछ गड़बड़ करके रख दिया। जीजी एक बात बताओ, अगर ये लड़की पेड़ पर थी तो हमारे शंकर की शादी पेड़ से हुई है या इस लड़के से हुई है? हमारा तो जन्म जन्म का रिश्ता है, माने ऐसे हालात में ये शादी हमसे हुई है ना? सीमा भांग फिर रखिएगा, इका बकेती कर रही हो। जीजी हम तो सिर्फ पूछ रहे थे। बस हमने कह दिया ना, एकदम शांत। शांत होने की जरूरत तुमको है। और सीमा बहुरिया, गीता कोई गलत बात तो नहीं कर रही है? अरे किसी भी लड़की के साथ ऐसे शंकर का ब्याह थोड़ी ना होने वाला है। एग्जैक्टली, न जाने कहां से आ गई है। और वैसे भी मैं इन सब में विश्वास नहीं रखता, पहले भी बोल रहा था ये सब ड्रामेबाजी मत करवाओ मुझसे। चलिए हो गया जो होना था, अब चले यहां से। कोई हमको बताएगा ये लड़की है कौन? वो हमरे साथ है सरकार। तुमरे साथ है तो संभाल के रखो, फिर कोई गड़बड़ हुई ना तो इस गांव से तुमरा हुक्का पानी बंद करवा देंगे, बूझे ला। क्या ये सही में हो सकता है? पुराने जन्म का रिश्ता, सदियों से चली आ रही प्रेम कहानी, क्या सच में शहरी बाबू और हम? हमसे भारी मिस्टेक हो गई छोटे सरकार, हमें माफ कर दीजिए। दुपट्टा उड़ क्यों नहीं रहा? अब मोहिनी चले। अरे हमने कहा चले, कहाँ खो गई तुम? इतने शौक है तो उठा कर ले जाएगी ना। जीजी हमारे कहने का मतलब था थोड़े से रोमांटिक होकर अगर उठा लेते तो। तब तो बहुत मजा आता, लेकिन बात यह है कि हम उठा नहीं पाएंगे ना। आपका मतलब हमारी जीजी भारी है? बेचारी मरी हुई दुबली पतली सी तो है बेचारी, और आपको लगती है भारी? अरे गलत समझ रही है तू, उठा लेते भाई, इनको उठा लेते हम, लेकिन वो ससुरा कांधे में दर्द है। हाँ, लेकिन अपनी रानी को हाथ पकड़कर जरूर ले जाएंगे। चले। हाँ? जगह हाँ।
पीछे कैसे? वो जो पेंटिंग है ना, उसके पीछे बहुत सारे सांप हैं। इतने बड़े बड़े सांप हैं उसके पीछे। हाँ, मैंने खुद देखा। मतलब इस पेंटिंग के पीछे कैसे? उसके पीछे एक बड़ा सा दरवाजा है, छोटा दरवाजा, और इसके अंदर कितने बड़े बड़े सांप हैं। कुछ चाहिए था? नहीं, हम तो बस सॉरी, छुपन छुपाई खेल रहे थे। बबली को लगा आपके इस कमरे वाली पेंटिंग के पीछे सांप है। बबली को तो कल को ये भी लग सकता है कि मैं चुड़ैल हूँ, तो क्या तुम उसकी बात मान लोगी? नहीं नहीं, वैसे अगर तुम चाहो तो तसल्ली कर सकती हो, देख के कि इस पेंटिंग के पीछे आखिर है क्या, देख लो। नहीं नहीं, इट्स ओके, जाने दीजिए ना। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि इस पेंटिंग के पीछे क्या होगा? जी, दीवार ही होगी। सोचो, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सी दीवार हो और उसके ऊपर एक भयानक सा जाला हो और एक बहुत ही खतरनाक मकड़ी हो। डर गई? चलो, मैं ही दिखा देती हूँ कि इसके पीछे क्या है। क्या हुआ बबली, डर क्यों रहे हो? दीवार ही तो है। नहीं, ये दरवाजा है, इसके पीछे ही सांप है। अरे बबली, डरो मत, ये सिर्फ दीवार है। बिल्कुल सही कहा तुमने, समझदार हूँ, शहर से हो ना इसलिए। वैसे बबली की बातों को इतना सीरियसली मत लेना। तुम अभी अभी इस घर में आई हो तो शायद तुम्हें पता नहीं होगा, बबली की मानसिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। वो कुछ भी देखती है, कुछ भी बोल देती है, कुछ भी सोच लेती है। खैर, बबली को छोड़ो, अभी तुम्हें फंसाने की तैयारी करते हैं। मतलब ये कि शंकर की शादी उस पेड़ से हो चुकी है और अब तुम्हारी और शंकर की सगाई का वक्त आ गया है। शंकर आ चुका है। आप भी ना बहुत ही प्यारी बातें करती हैं। मैं शंकर से मिल के आती हूँ। भोलेनाथ, ऐसी आधी अधूरी झलक दिखाकर आप हमको क्या बताना चाह रहे हैं? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मगर हम जानना चाहते हैं भोलेनाथ, हम हमारा सच जानना चाहते हैं। क्या है हमारा सच भोलेनाथ? याद आ गया है काका। शंकर! याद दिलाएंगे तुमको हम सब कुछ, वो प्यार, वो साथ, सब याद दिलाएंगे। तुझे सामने ही था वो सांप, लेकिन इस नौकरानी की वजह से गायब हो गया।